तो हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी फाइन होंगे। और आज है दिन सैटरडे का, तो मैं रूम पे बैठा बैठा बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं राइड पे निकला जाए। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि लोग इम्पॉर्टेंट समझते नहीं है बेसिकली। तो आज हम बात करेंगे राइडिंग गियर्स के बारे में। तो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस है क्या बेसिकली। बहुत लोग समझते हैं कि गियर्स आर सेकेंडरी थिंग, मतलब तुम बाइक ले सकते हो, बाइक राइड कर सकते हो, बट जो राइडिंग गियर्स होते हैं, तुम्हारी जैकेट्स वगैरह होती हैं, वो सेकेंडरी चीज़ सोचते हैं लोग, जो कि बिल्कुल ही गलत है। बाइक पे वैसे तो राइडिंग गियर्स बहुत टाइप के होते हैं, तुमको पता ही होगा। जो मेनली राइडिंग गियर हम यूज़ करते हैं वो है हमारा जो हेलमेट है। तो जो हेलमेट होता है वो आपको बताइए, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट है, ब्रेन। मतलब इम्पॉर्टेंट तो सारे ही हैं, बट अगर ब्रेन में इंजरी हो जाए तो फिर बॉडी किस काम की है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमारा हेलमेट ही रहता है। तो बेसिकली जो हेलमेट था वो मैंने तो बाइक लेने से ही 4-5 महीने पहले मंगवा लिया था। आप बिलीव नहीं करोगे, बट बाइक मैंने ली थी बाद में और हेलमेट मैंने 4 महीने पहले ही ले लिया था। साथ में जो मेरे राइडिंग गियर्स भी थे वो भी मैंने 4 महीने पहले ही ले लिए थे। राइडिंग गियर्स इम्पॉर्टेंट है क्यों, ऐसे आपको पता होना चाहिए। देखो, जैसे हम गाड़ी में चलते हैं तो गाड़ी में आपको पता है एक कैबिन सा है, उसके अंदर आप बैठे हैं। अगर एक्सीडेंट होगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, मतलब आप गिरोगे तो नहीं कहीं, आपकी बॉडी उसी के साथ जा रही है, जहाँ गाड़ी जाएगी वहीं आप जा रहे हो। पर बाइक में ऐसा नहीं होता। बाइक में होता है कि अगर आप कहीं पर गिर गए तो आपकी बॉडी पता नहीं वहाँ जा रही है और बाइक कहीं और जा रही है। तो उस टाइम पे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, इसलिए राइडिंग गियर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत तो क्या, थोड़ी बहुत, उस टाइम मेरे को इतना आइडिया नहीं था। तो पहले मैंने जैकेट ली थी, फिर हेलमेट लिया था, और उसके बाद राइडिंग शूज़ लिए मैंने। शूज़ मैंने बिल्कुल एंड में लिए हैं, क्योंकि थोड़ा बजट का इशू था। और तो जो आज का ये ब्लॉग रहने वाला है, ये मेरा पहला ब्लॉग था। मतलब इस टाइम पे मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी कि कैसे ब्लॉगिंग की जाती है या फिर क्या हिसाब होता है। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार कैमरा निकाला था और मैं किसी पब्लिक प्लेस पे ऐसे रिकॉर्ड कर रहा था। तो ये कोई 4-5 महीने पहले का ब्लॉग है, तो इसमें थोड़ी गलतियाँ होंगी, तो माफ़ करना यार। तो इसी के साथ शुरू करते हैं ब्लॉग और देखते हैं। आज है 21 मई, मैं हूँ सुल्तानपुर में। अभी हम जा रहे हैं करोलबाग, थोड़ा सा राइडिंग गियर्स लेने। फर्स्ट व्लॉग है मेरी ज़िंदगी का, बहुत ही कॉन्फिडेंस इकट्ठा करके मैंने शुरू किया है यहाँ पे मेट्रो स्टेशन में, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है इस टाइम पे। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। जा रहे हैं राइडर्स प्लैनेट, गूगल मैप्स के हिसाब से तो ये रास्ता है। इसमें स्विच नहीं होता क्या कैमरा? मेरे साथ है निखिल और अनुराग। निखिल मेरा कॉलेज का फ्रेंड है और अनुराग हमारा गेमिंग फ्रेंड है। हेलो बोल दे यार। हेलो। अभी भाई ने प्लस टू के पेपर दिए और टॉप किया अपनी क्लास में। ये पार्टी दे रहे हैं इसी बात पे। जरूर इसी बात पे मुर्गा खाएंगे आज। तो गाइस, अभी हम उस मार्केट में आ चुके हैं जहाँ पे आप बेस मॉडल लेके आओ और अपनी गाड़ी का टॉप वेरिएंट उसको बना के ले जाओ। चारों तरफ गाड़ियाँ भाई, सारी एक्सेसरीज की शॉप्स हैं यहाँ पे, फुल कस्टमाइजेशन भाई। आगे आज राइडर्स प्लैनेट में, अभी यहाँ पे जा के देखते हैं जो हम देखना है। जैकेट्स लगे हुए हैं भाई, फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, नीचे हेलमेट्स बिक रहे थे और यहाँ पे देखो जैकेट्स ही जैकेट्स हैं। कोई आया नहीं नीचे से भैया? भैया दिखाएंगे हमें जैकेट्स। ओ भाई, किसके लिए चाहिए था? मेरे को चाहिए भैया, मेरा साइज। हाँ जी, एल नहीं आएगा मेरे को यहाँ पे। शूज़ भी हैं यहाँ
शूज किस रेंज में आते हैं भैया? 4200 से। बाकी आपका ये ओनिक्स है, ये बाहर का इंटरनेशनल रियो का है। ये वाला 10650 का, 10,000। इसमें एंकल प्रोडक्शन वगैरह सारी है, स्लाइड सही है। ये किस रेंज में आते हैं यहाँ? ये आपका 7,000 के। ओके, अभी कौन सी है? रेनॉक्स, चल दिखा दो। भाई मिल गई जैकेट। yes. तो भाई सीन ऐसा है कि हम आए थे अभी राइडर्स प्लेनेट, बिल्कुल इनविजिबल जैकेट में, यहाँ पे जिसने जिस आदमी ने हमको जैकेट दिखाई उसके रेट तो अलग थे, पर जो ओनर था उसके रेट 1,000-1,500 ज़्यादा थे, इसलिए हम सोच रहे हैं कहीं और देखी जाए। वैसे जो हमने पसंद की थी घर पे वो तो मिली नहीं, आगे देखते हैं कहीं और। साथ में भी एक शॉप था, अभी हम आए थे एक शॉप में जो उसी शॉप के साथ में थी, मुँह छुपा के हम घुस तो गए थे साथ वाली दुकान में। भैया ने भेजा हमें भेजा, उसमें भी देखते हैं कि कैसी जैकेट्स है, बोल रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉक है। भैया कितनी दूर है यहाँ से? भाई लेके जा रहे हैं हमको, देखते हैं वहाँ जाके मिल जाए अब जो हम ढूंढ रहे हैं। दुकान का नाम क्या है भैया? चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स। चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स, ओके। और कहाँ पे है, मतलब शॉप नंबर वगैरह कुछ? 6 गली नंबर 62 है। अच्छा, गली नंबर 62। तो अभी वेयर हाउस में जा रहे हैं, वहाँ जाके देखते हैं क्या स्टॉक है, क्या हिसाब है। तो अभी पहुंच गए हम वेयर हाउस में, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉक है, देखते हैं जो ढूंढ रहे हैं वो मिलती है कि नहीं। स्टॉक तो बहुत है। भाई शॉपिंग तो कर ली हमने, 11,500 की, 11,500 लग चुके हैं हमारे, और पैकिंग इन्होंने ऐसे दी है जैसे हम कूड़ा कचरा ले जा रहे हैं साथ में। चोपड़ा ऑटो मोबाइल, ऑटोमोबाइल्स। हाँ, कहाँ जाना है हमको? जनकपुरी वेस्ट। नहीं नहीं, उसके बाद जनकपुरी वेस्ट, जनकपुरी जाना है। वहाँ पे हमारे 2-3 दोस्त और है, गेमिंग फ्रेंड्स, मीटअप रखा है हमने छोटा सा। तुम्हारा भाई ब्लॉगर हो गया ना, तो मीटअप रखा है, तो वहाँ पे हमारे फैंस आ रहे हैं कुछ मिलने, मिलाते हैं आपको थोड़ी देर में। तो अभी शॉप पे आ गए हैं, यहाँ पे बिलिंग कर रहे हैं अंकल हमारे। यहाँ पे देख लो, हेलमेट ही हेलमेट पड़े हैं शॉप पे, हेलमेट्स हैं और वेयर हाउस पे सारी जैकेट्स वगैरह और राइडिंग गियर्स हैं, अपना हेलमेट। A few minutes later. पदरी कहाँ पहुंच चुके हैं, बंदे ही बंदे अपने आप। क्या हाल है? कहाँ पे आए हम? हैं सनी, कहाँ पे आए हम? मुर्गा खाने। अरे भाई सनी भाई, क्या मंगवाए फिर? तंदूरी चिकन। हम भी फेमस है। हाँ भाई, क्या ऑर्डर था भाई? हमने भाई ऑर्डर किया बहुत कैड़ा आइटम। क्या क्या ऑर्डर किया? दो रोटी करी है, दो रोटी हम खाए थे। आज का दिन और आज का काम सब कुछ खत्म हो चुका है, हमने राइडिंग गियर्स ले लिए, दोस्तों से भी मिल लिए, अब जा रहे हैं घर वापस। तो यहीं एंड करते हैं आज का व्लॉग, है ना।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सब्सक्राइब गाइस, हाँ कर देना सपोर्ट। अभी फर्स्ट व्लॉग है, पता नहीं कब अपलोड होगा, फर्स्ट होगा कि बाद में होगा ये भी नहीं पता। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ओके बाय बाय। सिंक। तो हेलो गाइस, तो हेलो गाइस, तो हेलो गाइस,